एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। 12:30। जी हाँ, आज ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। सरप्राइज देने आए थे, आपने हमको सरप्राइज दे दिया। फिर उसके बाद माय गर्लफ्रेंड कैसे हो, कैसे हो? उनको पता है कि हम ये घर छोड़ के जाने वाले हैं। ये सब करने से दोस्तों के लिए थोड़े सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। धंधे में है ना, मेरा धंधे में दम है कि नहीं? अरे वाह वाह भाई, हम सब रेडी हो गए हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। रात के बज रहे हैं 12:30। जी हाँ, आज ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। ओह सॉरी, ये मेरा ब्लॉग नहीं है। ओवर टू यू। तो भैया, ऐसा है कि आज का व्लॉग थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि हुआ ये कि पिंकी और आफ्ताब ने हमें दे दिया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो कल मेरे को तो टाइम भी याद नहीं आ रहा अभी क्या चल रहा है आज। एनीवे, आज सैटरडे शाम को पिंकी और आफ्ताब आए घर पे और कम्प्लीटली हमें सरप्राइज दिया। हमें कोई आइडिया नहीं था कि पिंकी आफ्ताब आने वाले, अचानक से आ गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा है कि भाई पिंकी और आफ्ताब आ गए हमारे घर और हमें दिया एक बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज। और अभी ऐसा है कि आज रात काफ़ी हो गई है, तो आज पिंकी आफ्ताब हमारे घर रुकने वाले हैं और अभी थोड़ा हम लोग गप्पे वप्पे मारेंगे। एक्चुअली हुआ यूँ, आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ मैं कि ये कैसे हुआ ये सब। तो प्लान ऐसा था कि मैं और खुशबू और नायरा पड़ी गई थी। तो हुआ यूँ कि मैं, खुशबू और नायरा हम गए थे काजल दीदी, राजीव जीजू के घर, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया था फॉर डिनर। पर पीछे से इन दोनों की प्लानिंग चल रही थी कि इनको देना है खुशबू और प्रियांका को सरप्राइज। तो ये लोग पहुंच गए हमारे घर, ये लोग बेचारे बेल बजा रहे और हम लोग घर पे थे नहीं, और ये लोग सोच रहे कि ये क्या हो गया। और उसके बाद पिंकी बताएगी क्या हुआ आगे। फिर आफ्ताब ने किया प्रियांक को फोन कि भाई हम जरा बाहर निकले थे, आप लोग कहाँ हो? तो प्रियांक ने भी बोला, हम तो काजल दीदी के वहाँ आए, आप लोग का प्लान किया है? तो आफ्ताब ने कहा, कुछ नहीं यार, जरा सेंसबरी आया हूँ। तो फिर प्रियांक ने बोला, अच्छा कहाँ का सेंसबरी? तो बोला, आपके घर वाला सेंसबरी। ठीक है, फिर प्रियांक बोला, अरे अरे ये क्या हो गया? तो फिर आफ्ताब ने बोला, हम सरप्राइज देने आए थे, आपने हमको सरप्राइज दे दिया। फिर उसके बाद तो हमको बहुत अच्छा सरप्राइज मिला, और उसके बाद सबको बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। तो भाई प्रियांक ने हमको फोन किया फिर से कि भाई अगर आप आ ही गए हो, और अगर हम है ही नहीं, हम काजल दीदी और राजीव जीजू के घर है, तो एक काम करो, उन्होंने बोला है कि भाई आप भी उधर ही आ जाओ। नहीं, जबकि वो आ रहा था घर, आ रहा था, ये लोग आ रहे थे वापस, सामने से बोला उन्होंने। तो मैं और पिंकी बेशर्म जैसे हम उनके घर चले गए, और उसके बाद वहां पे तो जो अलग लेवल की धमाल हुई है, क्या ही बताए, मतलब व्लॉग में बताई नहीं, मतलब व्लॉग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। काजल दीदी एंड राजीव जीजू के भी फ्रेंड्स आए हुए थे, उष्मा और ऋषि भाई, धमाल आ गया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ व्लॉग नहीं लिया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतना एंजॉय किया सबने, एंजॉयमेंट हो रहा था वहां पे, और कोई नया था ना, वी डोंट नो इफ दे विल बी कंफर्टेबल। तो भाई मैंने तो बहुत मजा किया, आई एम श्योर पिंकी, प्रिया, खुशबू, इनफैक्ट नायरा ने भी बहुत मजा किया, हमने वहां पे बहुत टाइम बिताया, और फाइनली हम घर आए फुल ऑन, बोलते ना, मजा करके। राइट, रात को 12 बजे हम लोग घर आए, मतलब हम लोग गए थे काजल दीदी राजीव जीजू के घर पे अराउंड 6 बजे, और ये लोग आए थे, तुम लोग कितने बजे, 9 बजे आए होंगे, 8:30-9 बजे, 8:45-9 बजे, और 12 बजे तक हम लोग उनके घर पे थे। 12 बजे फिर हम लोग फाइनली हमारे घर पे आए, लेकिन धमाल एपिक था, मजा ही आ गया। तो नायरा देखो, ये 12 बजे रिकॉर्ड तोड़ डाला, नायरा अभी भी जाग रही है। सो नायरा, तेरा घर फ्रेंड्स था? सब नायरा बोल रही है कि कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, मतलब कुछ और भी बच्चे आए थे उनके गेस्ट के, तो उनके साथ भी खेला नायरा ने, बहुत मजा आया। एनीवे, प्लान अभी ये है कि यहाँ पे खुशबू कर रही है व्लॉग का एडिटिंग, क्योंकि हमारा आज कुछ एडिटिंग हुआ नहीं है, और फिर हम बाकी हम लोग यहाँ पे टाइम पास करेंगे, थोड़ी बातें बातें करेंगे। अगर जिंदा रहे तो नहीं तो फिर कल सुबह नाश्ते पे कंटिन्यू करेंगे।
सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमारी जनता अभी इधर उठ गई है और मस्त सब लोग लग गए हैं नाश्ता वास्ता करने में। कल रात को हम लोग अराउंड कितने बजे, अपन 2 बजे सोए, 2:30 बजे हम लोग सोए, बातें करते करते 3 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो भाई मज़ा आया इन लोग के साथ, जब भी आफ्ता पिंक के लोग आते तब हमारा पक्का नाइट आउट तो होता ही है। एनीवे एक सीक्वेंस रह गया, चलो कोई नहीं, वापस खेलेंगे अभी टाइम मिला तो। यहाँ पे देखो, गुड मॉर्निंग आफ्ताब, गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग नायरा, अरे गुड मॉर्निंग कहते, गुड मॉर्निंग हेलो पीपल, कैसे हो? तो नायरा को इधर अपने आफ्ताब चाचू के साथ एज यूजुअल हमेशा बहुत मजा आता है, तो खेल रही है यहाँ पे। आज चाचू नायरा का क्लास भी लेने वाले हैं। अच्छा, तो उसका लेना पड़ेगा। मैंने बताया कि नहीं, सुबह सुबह नायरा आई थी चाचू और चाची को उठाने। अब पूछी भी दादी क्या छे, अरे बाप रे, तो दादी है, बोलती है दादी मुंबई गई। अरे बाप रे, तो दादी अगर आप वीडियो देख रहे हो, नायरा आपको अभी भी बहुत याद कर रही है। एनीवे इधर अभी पिंकी मस्त चालू कर दिया है कुछ बनाने का, क्या बन रहा है पिंकी? उपमा अभी सेक रहे हैं हम सूजी। उपमा के लिए रवा सीखा जा रहा है। yes. और बाकी सब तो बेचारी अपने घर की क्या बोलते हैं उसको, बहू बहू वो कर रही है। ओके, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है, यहाँ पे कुछ ऑनियन काटा हुआ दिख रहा है मुझे, टमेटोज। तो बस नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर आगे का कुछ प्लान बनाया नहीं हमने फिलहाल। वैसे आज यूरो कप फाइनल है, आफ्ताब क्या कहना है? लेट्स सी, होपफुली इंग्लैंड इस बार वर्ल्ड कप जीत जाए। तो इंग्लैंड और स्पेन का मैच है, बराबर इंग्लैंड स्पेन का आज यूरो कप फाइनल मैच है। नायरा बोल रही है मुझे बताओ, चलो दिखा देते एक बार। हेलो नायरा, बाबू क्या छे तारू? बाबू आईया छे। अरे बाबू शू करे नायरा, तारी आईलाइनर बहु मस्त छे, कोने तने करी दीधी अहीं? हां चाची, पिंकी चाची ए करी दीधी, बहु मस्त लागे छे। अने सोडा रात की एक रोटी बच गई थी तो बस अभी रोटी डाल रहा हूँ। मम्मी का जो ट्रेडिशन था, जैसे मम्मी यहाँ पे रोज सुबह उठ के नाश्ते के टाइम पे एक रोटी कबूतर को डालती थी, बस वैसे कुछ ट्रेडिशन हम लोग अभी थोड़े दिन कंटिन्यू रखेंगे। शू करे छे नायरा? नायरा तारे हाथ में शू आवी गयु छे भाई? बज रहे हैं सुबह के 11 और एकदम मस्त धमाल धूप वाले वेदर में अभी चल रहा है हमारा मस्त नाश्ता। नाश्ते में बता देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है धुआड़ा मारती हुई चाय, पिंकी की चाय मस्त धुआड़ा मार रही है, देखो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। साथ में है गर्मा गर्म उपमा, धुआड़ा मारता हुआ उपमा है। यहाँ पे मठिया जो मम्मी ने बनाए थे, यहाँ पे ये कॉर्न का चिवड़ा जो मम्मी बना के गई थी, टोस्ट है, और यहाँ पे है गर्मा गर्म सेकेली रोटली। क्या बोलते हो जनता, चालू? वेट नहीं हो रहे यहाँ, हम सेकेली रोटली और मटरी खाने की सोच रहे हैं। वहाँ आंटी मस्त रेस्टोरेंट में सोशलाइज कर रही है, मस्त मतलब। तो मम्मी मस्त, अभी मम्मी के साथ हम लोग बात कर रहे थे अभी वीडियो कॉल पे, तो मम्मी मस्त हमारे फैमिली के साथ गई है बाहर होटल में खाना वाना खाने। तो मम्मी इज एंजॉइंग, मम्मी को अच्छा लग रहा है वापस मुंबई आके, पूरा फैमिली उसके साथ है अभी, सब मस्त खाना वाना खा रहे हैं वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे मम्मी का बनाया हुआ नाश्ता एंजॉय करेंगे, चलो शुरू करते हैं। और इधर हमारी जनता लग गई है साफ सफाई करने में, पिंकी और आफ्ताब ने मतलब अभी उनको पता है कि हम ये घर छोड़ के जाने वाले। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि ऐसा कंसेप्ट है कि आपको घर एकदम जैसा आपको दिया था नए कंडीशन में वैसा करना है, तो दीज गाइज आर हेल्पिंग अस आउट। इन्होंने देखो यहाँ पे ये पूरी चिमनी साफ की, मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है, चमक रहा है इसके ऊपर, है ना, ऑयल का ऐसा थिक लेयर हो गया था। ये आफ्ताब और पिंकी ने मिलके पूरा घिस घिस के साफ किया है। नहीं, मैंने मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मेन काम इन दोनों ने किया। देखो अभी भी चालू है इधर, इन लोग का खुद का घर समझ के हमारे लिए काम कर रहे हैं, देख लो भाई। तो यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होता है, जो दोस्त है वही हाउस हेल्प है, समझ जा। दैट मींस अ लॉट, थैंक यू गाइस। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, पिंकी ने अभी मस्त चमकाया है हमारा जो नल था, हमारे जो वॉश बेसिन का नल था उसको क्या चमकाया है। देखो इसने पूरा व्हीकल मारा है इसके ऊपर और एकदम नए जैसा हो गया। मुझे याद है इसके ऊपर है ना पूरा लाइम स्केल का इतने सारे दाग थे, लेकिन अभी बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। सो भाई हमारी जनता आई थी, हमने सोचा हम लोग इनके साथ बातें बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पे हमारे साथ काम करने में लग गए। अभी हम लोग काम पे लगे कि चलो घर का काम भी हो जाएगा और मस्ती भी मार लेंगे। अरे पर मस्त मस्त चमका दिया है। सीखना है पिंकी से, उसने मुझे बोला था कि ये चीज उसको नहीं समझ आ रहा है, तो अभी हमने करके दिखा दिया। ओके, और एक पिंकी की एक और टिप है। हाँ पिंकी, तुम्हारी एक और टिप थी, तुमने हमें बोला था कि ये लेके आना। सो पिंकी ने बोला था कि बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा, सो ये सोडा है
और यहाँ पे विनेगर, सो ये दोनों को मिक्स करो। पिंकी बताओ। तो बेसिकली अमेजोन में जब मैं इंडिया में थी, अमेजोन में बाकी हमारा हार्पिक ये सब आए नहीं आए, हर हर महीने का एक किलो का बेकिंग सोडा अमेजोन से आता ही था। किलो? हाँ, उसमें आप हर चीज पे डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेड जो है, मैट्रेस जो है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गया मैं धूप में सुखा नहीं पा रही हूँ, उसमें ये छिड़क दो मैट्रेस पे, थोड़ी देर रखो और क्या बोलते हैं, डाइसन को क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीन से खींच लो, तो आपका जितना डस्ट है उस एरिया में वो पूरा खींच लेगा। आपके कपड़े, आपके चद्दर जब आप धो रहे हो, थोड़ा सा एक एक क्या कहते हैं उसको, स्पून डाल दो वॉशिंग मशीन में, सब धुल जाएगा। मतलब बाकी अगर हार्पिक वार्पिक ये वो खरीदना नहीं है, ये दोनों मिक्स करो और पूरा घर चमक जाएगा। मतलब कैसे भी दाग हो ये दोनों से निकल जाते हैं, मतलब तेल वेल के दाग। मिक्सचर ऑफ विनेगर, बेकिंग सोडा एंड अ बिट ऑफ वाटर। ओके, एंड जस्ट स्प्रे विम लिक्विड। विम, ये अपना सादा विम लिक्विड। इट वर्क्स एज एवरीथिंग, डीप क्लीनिंग से लेके डिसइंफेक्शन भी, ये आपका गैस का भी, ए टू जेड, ये दो चीज आपके पास है तो आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। चलो कुछ नया सीखा ये प्रोसेस में हमने। बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो उसकी चैनल थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो गाइज, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है पिंकी को, लेट्स मेक इट हैपन विद पिंकी घोष चैनल का नाम है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, फॉलो करो, मस्त ऐसी आपको टिप्स आएगी। और ये सब करने से दोस्तों के लिए थोड़े सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। क्यों? अरे भाई, तुमने साइन अप किया था इसके लिए, क्या लगता है धंधा बराबर लगता है कि नहीं? हाँ, लग चलेगा कि नहीं? धंधा चलेगा ना, धंधा चलेगा ना। मैं वही बोला, क्या करने का, दो विंग सूट ले लेने का, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसके बाद पहला प्रीनप करके पहला अपने को ले लेने का कि भाई पैसा दे दो। हाँ। उसके बाद आदमी नहीं है। अरे बट उसको क्या बता रहे, उसको बोल तो सही। विंग सूट डाइविंग पता है ना, अपने नए 40 माले के घर से सीधा नीचे मेट्रो पे आने का, टेंशन भी नहीं। बीच में झटका लगा तो भाई हो गया इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस। हाँ, कितना अच्छा लगेगा, है ना? क्या बोलते हो? धंधा, धंधे में दम है, धंधे में है ना दम? मेरा धंधे में दम है कि नहीं? धंधे में दम है। ए, अरे वाह वाह, चलो भाई डील स्ट्राइक करें, हाथ मिलाओ। दुखा अभी नहीं भैया, इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के बाद ये पेन होगा। जिसको मिला मिला, और जो बात करने के लिए नहीं है वो गयू गयू ठीक चाहिए। तो उड़ी ने जो चल ठीक, उड़ी जा, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। शू बात कर रहे थे, बिजनेस आगे नहीं, चिल्ला चिल्ला के सबको बिजनेस की स्कीम बता दे हमारी। उड़ी उड़ी जाए, मजा आई भी तने। नायरा, नायरा कैसा लगा अपना काम? गुड मॉर्निंग। मिला मिला। चलिए भाई, हम सब रेडी हो गए हैं, ठीक है। आज फिर से कैमरा मैंने ले लिया है, हम सब रेडी हो गए, लिफ्ट में आ गए हैं। हम भूल गए थे कि व्लॉग एंड भी करना है। यस, प्रियांक घर में थोड़ा अपना ऑफिस वर्क निभा रहा है, नायरा को हम खेली खेली लेकर जा रहे हैं, तो यू विल सी नायरा प्लेइंग नाउ। लेकिन हम चले अपने घर। क्यों सुन गाइस, क्यों जा रहे हम जल्दी में? यूरो फाइनल देखने जा रहे हैं हम गाइस। हाँ, तो हम यूरो फाइनल देखने जा रहे हैं, आफ्ताब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नायरा भाई कहीं दे, चलिए फिर बोलो यार, क्या बोलते हैं यार गाइस, आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई बाय बाय गाइस।